नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज मैं बनाने जा रही हूँ चुस्की आइसक्रीम, जो हम फ्रूट से बनाएंगे, हम तरबूज से बनाएंगे ये। फ्रेंड्स, बच्चों को चुस्की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, वो मिल्क आइसक्रीम से ज़्यादा चुस्की आइसक्रीम को ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चुस्की आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने आधा तरबूज लिया है, जिसके बीज निकाल कर मैंने इस तरह पीसीस में कट कर लिया है। शहद लिया है 3 चम्मच, पुदीना लिया है सूखे वाला, और काला नमक और 1 नींबू। सबसे पहले हम तरबूज को हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड कर लेंगे और इसका जूस बना लेंगे। आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं इसे। देखिए, मैंने इसका जूस बना लिया है, जूस बनके तैयार है। ये आइसक्रीम बहुत ही जल्दी बन जाती है और घर में हम बच्चों को हेल्दी आइसक्रीम दे सकते हैं। काला नमक डाल देंगे अगर आपको पसंद है तो, और सूखा पुदीना को मैंने हाथ से क्रश करके पाउडर बना लिया है, ये भी डाल देंगे, और शहद भी डाल देंगे। आप शहद की जगह शुगर भी डाल सकते हैं अगर आपका तरबूज कम मीठा है तो। और 1 नींबू लिया है, उसका रस भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे हैंड ब्लेंडर से एक बार और ब्लेंड कर लेंगे, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इस जूस को आइसक्रीम मोल्ड में भर देंगे। सभी खानों को हमें भर देना है अच्छे से। देखिए फ्रेंड, मैं सभी को भर दिया है, लीड लगा देंगे इसके ऊपर और आइसक्रीम स्टिक भी लगा देंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने सभी स्टिक लगा दिए। अब हम इसे 8 घंटे के लिए फ्रीजर के अंदर जमने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चुस्की आइसक्रीम जमकर तैयार है। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे, उसके अंदर इसे रख देंगे कुछ सेकंड के लिए। देखिए, अब हम इसे निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होगी। अपने बच्चों को ज़रूर बना के खिलाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय मेरे वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।